नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी क्रेन, 3 बाइक और दुकान में रखी पेटियां की क्षतिग्रस्त हुई। साथ ही बात होगी फरुखाबाद में प्रधान द्वारा बनाई गई सीसी रोड तोड़ने की, और बताएंगे कैसे जुन्नारदेव में महादेव महाकाल की हुई प्राण प्रतिष्ठा। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फरुखाबाद थाना जहानागंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहरूपुर बीजल में वर्तमान ग्राम प्रधान महेश कटियार ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख कोटा से रामसेवक सक्सेना के मकान से अनिल कटियार के मकान का सीसी रोड का निर्माण कार्य करवाया, जिसमें अनिल कटियार पुत्र स्वर्गीय छदामी लाल कटियार, अतुल कटियार पुत्र अनिल कटियार व कुछ अज्ञात व्यक्तियों को बुलाकर सीसी रोड को तोड़ दिया गया। जब वर्तमान प्रधान उक्त लोगों को मना किया तो वह झगड़ा करने पर उतर आए और कहा, तुम कुछ भी कर लो, मेरा कुछ होने वाला नहीं, मेरी पहुंच ऊपर तक है। वर्तमान प्रधान ने लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र 19 मई थाना जहानागंज को दिया, जिस पर थाना अध्यक्ष ने उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिया है। शुभ नाम क्या भैया? महेश्वर कटियार। कहाँ के निवासी हैं? मैरोपुर बीज। आपके द्वारा थाना जहानगंज में तहरीर दी गई थी, क्या मामला है पूरा? जी तो अनिल सनाप छदामिला जी, अतुल सनाप अनिल कुमार जी, इन लोगों ने हाँ वो रोड तोड़ दी। जब हम गए वहाँ देखा तो मैंने उनको रोका, तो ये जो है लड़ाई झगड़ा को तैयार, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूँ जी। शासन से मेरा अनुरोध है कि उचित कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो आप जब से थाना जाने में थे तो पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? पुलिस द्वारा ये दिया गया कि मैं उसका निपटारा। फरुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। सतपुड़ा की वादियों में बसा सांगा खेड़ा भूरा भगत पर महादेव महाकाल के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा एवं शिव महापुराण कथा का वचन पिछले 7 दिन से चल रहा था। स्थानीय पंडित विनय शास्त्री के मुखारविंद से सभी श्रोता शिव महापुराण सुन रहे थे। भारी संख्या में माताओं बहनों सहित भक्त जन श्रवण कर रहे थे। जैसा कि आपको बता दें कि महादेव स्वयं इस स्थल पर आए थे, यहीं पर चौरागढ़ पर्वत पर विराजे हुए हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें रोजाना लाखों श्रद्धालु आकर भगवान महादेव महाकाल के दर्शन एवं पूजन पाठ सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी कड़ी में आज सांगाखेड़ा में पूर्ण आहुति कर विशाल भोग भंडारे का आयोजन किया गया। सभी ग्रामवासियों ने भोग प्रसाद ग्रहण किया। जय श्री महाकाल, जय शिव शंभू। चौड़ागढ़ की ये पावन धरा, जहाँ से भगवान भोलेनाथ की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है चौड़ागढ़ के लिए, ऐसे पावन तीर्थ स्थान पर शिव महापुराण की कथा एवं शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा, जिसका आयोजन 14 तारीख से रखा गया था। प्रथम दिन से भगवान भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा पूरे नगर के लिए निकली थी, जिसके बाद शाम से रात्रि से 7 बजे से कथा प्रारंभ हुई और आज कथा का अंतिम दिन है, जो सुबह से हमारे विप्र ब्राह्मण बंधुओं ने समस्त श्री शिव परिवार उनका पूजन करके प्राण प्रतिष्ठा करके, जिसके बाद हमने ये हवन का कार्यक्रम पूजन किया है। अब कुछ ही क्षणों में पुनः शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी, जिसके बाद भव्य आयोजन महाभंडारा आरती प्रसाद ये कार्यक्रम किया जाएगा। और ये समस्त कार्यक्रम भूरा भगत समिति सांगाखेड़ा एवं समस्त जुन्नारवासियों जुन्नारदेव वासियों के द्वारा ये दिव्य महा आयोजन किया जा रहा है। जय श्री महाकाल, जय शिव शंभू। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।